हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। वीडियो की शुरुआत इस खूबसूरत से बैगन के प्लांट से। तो गाइस, किचन और घर से जो भी वेस्ट निकलते हैं, अगर उसका यूज हम थोड़ा सा अपने सूझबूझ से अपने गार्डन में करें, तो फ्री में ही हमारे गार्डन में बहुत सारे वेजिटेबल्स ग्रो हो सकते हैं। ये मैंने रोड साइड से 15 रुपए के बैगन के प्लांट लिए थे और इसको हमने लगाया है बेकार घर में जो डिब्बे होते हैं, जिसे कि हम कबाड़ी को बेच देते हैं। दीपावली से पहले ही जो हमारे घरों की साफ सफाई होती है, उस दौरान बहुत सारे डिब्बे वगैरह निकलते हैं। तो उसी, देखिए एक डिब्बा था, उसको कट करके खाद वगैरह मिला के लगा दिया। और जैसे इसमें फूल आना स्टार्ट हुआ, देखिए गोबर की खाद में थोड़ी सी राख मिलाकर इसमें लगा दिया। विंटर में क्या होता है कि माहों वगैरह का अटैक होने लगता है, तो ये जो राख होती है वो फंजीसाइड का काम करती है। इसके अलावा जो हमारे किचन में हल्दी होती है, अगर उसको थोड़ा सा हम मिट्टी बनाते समय प्लांट की उसमें डाल दें, तो वो भी फंजीसाइड का काम करती है। कोई भी जम्स बैक्टीरिया जो कि प्लांट को हार्म पहुंच जाते हैं, उनको पनपने नहीं देती है। तो देखिए बैगन में फूल आने स्टार्ट हो गए हैं और अच्छी खासी हेल्थ भी है इसकी। तो इस तरीके से आप भी ग्रो कर सकते हैं। दूसरा है मिर्च का पौधा। मिर्च का पौधा आप देख ही सकते हो कितनी अच्छे से मिर्च इसमें लगना स्टार्ट हो गई है। काफी घना सा प्लांट है और ये मैंने घर जो किचन में लाल मिर्च हो जाती है उनके बीज से इनको ग्रो किया था। और इसको लगाया है मैंने ऑयल के डिब्बे में, थोड़ा थोड़ा ऐसे पेंट करके दो मिर्च का पौधा लगाया है। देखिए एक यहाँ पे थोड़ा सा होल किया है तो उसमें लगाया है, यहाँ बड़ा सा होल है इसमें लगाया है, और इधर होल किया है तो यहाँ पे टमाटर लगाया है। टमाटर भी किचन से जो टमाटर होते हैं उन्हीं के बीज से ग्रो किया था। ये बहुत ही मिर्च टमाटर ये सारे ही बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। देखिए तो मिर्च लगना स्टार्ट हो गया है, फूल भी आ रहे हैं, तो इसको हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और ये देखिए इसमें कितनी ज़्यादा मिर्च लग रही हैं और बहुत सारे फूल आ रहे हैं। तो इनमें भी कल हमने सभी प्लांट में अच्छे से फर्टिलाइजर, वही राख और गोबर की खाद और राख को मिलाकर सभी में डाल दिया, ताकि इनकी अच्छी सी हेल्थ होती जाए और कोई जम्स बैक्टीरिया ना लगे। अगर आपके पास प्लास्टिक के डिब्बे भी नहीं बेकार पड़े हैं, तो पॉलीथीन तो हम सभी के घरों में आती है। तो ये देखिए हमने पॉलीथीन में लगा रखा है, ये ग्रो बैग की तरह काम करता है और बहुत ही आराम से चल जाते हैं। इनमें हेल्दी से प्लांट होते हैं और बहुत ही अच्छे इसमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये देखिए मिर्च लगना इसमें भी स्टार्ट हो गए हैं और बहुत सारे फूल आपको दिख ही रहे होंगे। प्लांट भी अच्छा खासा घना है। तो विंटर में क्या होता है, ज़्यादा हीट तो होती नहीं है, इसलिए पॉलीथीन में भी आपके प्लांट बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। तो आप पॉलीथीन का यूज कर सकते हैं, जो कि हर घर में होता है, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ की पॉलीथीन ना हो। इसी तरीके से ये देखिए ये गेंदा का प्लांट है, इसमें कलियाँ आ रही हैं। इसको कटिंग से लगाया था और इसको हमने लगाया है एक टूटे हुए जग में। ये जग टूट गया था, ये देखिए एक यहाँ से टूटा है और इधर से भी स्क्रैच आ गया था। तो इसमें इसको फेंकने की जगह इसको हमने इस तरीके से एज अ पॉट यूज किया है। तो ये भी अच्छे से अपना इसमें कलियाँ वगैरह आना स्टार्ट हो गई हैं। प्लांट भी काफी हेल्दी सा है। ये शिमला मिर्च हमने जो घर में हम किचन में यूज करते हैं शिमला मिर्च, उससे हमने ग्रो किया है। हालांकि बहुत सारे बीज डाले थे लेकिन ज्यादा ग्रो नहीं हुए, बस एक ही हुआ है। और मेरा पहली बार है ऐसा कि मैंने शिमला मिर्च ग्रो किया है। तो ये देखिए एक हो भी गया और ये टमाटर वगैरह भी अच्छे से देखिए चल रहे हैं। तो इन सभी में कल मैंने फर्टिलाइजर दिया। एंड गाइस, मॉस रोज देखिए कितने सुंदर से ना खिल रहे हैं, बहुत ज्यादा खिल रहे हैं, लेकिन इनकी जो फूल की साइज छोटे होते चले जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन लगा रखा है, जो हरे लहसुन की पत्तियां होती हैं उनका यूज बहुत ही होता है किचन में विंटर के टाइम में, चटनी बनाने में, दाल में तड़का मारने में। और एक गार्लिक है यहाँ पे, फिर एक मिर्च का पौधा है, देखिए इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, मिर्च भी लगी हुई है। तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों का यूज करके अपने गार्डनिंग में बिना पैसे के अच्छे से गार्डनिंग कर सकते हैं वेजिटेबल्स वगैरह की। ये मटकी में देखिए लगे हुए बैगन हैं, इनमें कितने ज़्यादा कलियाँ आ रही हैं। यहाँ पे मटकी में मैंने देखिए मिर्च लगा रखे हैं और इन मिर्च में माहों का अटैक हो रहा है। एक बार अटैक हुआ था तो प्रून कर दिया, अब दोबारा अटैक हुआ है तो इस पे ये राख डाल दूंगी, तो ये बहुत ही आराम से हट जाएंगे। राख अगर आप भी डालना चाहते हैं तो राख सुबह डालिए, जब थोड़ी पौधे पे ओस पड़ी रहती है तो राख चिपक जाती है और बहुत ही अच्छा अपना असर दिखाती है। उसी तरीके से ये सब ऑयल के कंटेनर है, ये सब बहुत ही यूज करने वाली अच्छी चीजें हैं, इनको कभी नहीं फेंकना चाहिए। और मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, ये देखिए जो किचन में छोटे छोटे ऐसे टोकरियाँ यूज करते हैं, वो टूट जाए तो इस तरीके से आप इसमें
छोटे प्लांट लगा सकते हैं जिनकी हाइट कम होती है। और ये देखिए डिस्पोजल ग्लास, इनको भी फेंकना नहीं चाहिए, यूज करने के बाद इनमें आप सीडलिंग कर सकते हैं। देखिए हमने संतरे की सीडलिंग की है, संतरा देखिए अच्छे से ग्रो हो रहा है। अनार का छोटा सा पौधा लगाया है, इन सभी में वही खाद हमने कल दिया। और इसमें देखिए चांदनी की दो कटिंग है, इसको छांव में रखा था तो पत्ते पीले होते जा रहे थे तो फुल सनलाइट में रख दिया। और ये सारे मिर्च हिबिस्कस बहुत ही सुंदर से खिल रहे हैं। तो गाइस आप भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके के पेप्सी और जो माजा वगैरह के बॉटल आते हैं 1 लीटर वाले, उनको ना फेंकें, उसमें भी आप मिर्च ग्रो कर सकते हैं, टमाटर ग्रो कर सकते हैं, गेंदे के प्लांट लगा सकते हैं। देखिए मिर्च लगाई थी, हो गया। अब इसको प्रून करने की ज़रूरत है क्योंकि इस पर पत्तियाँ नहीं आ रही हैं, तो वो कर दूंगी मैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर से बताइएगा। बाय, हैव अ नाइस डे।